हां जी, अरे साइड डोंट फॉरगेट योर चश्मा। नो नो, अंदर। हां द कलेक्शन का नाम अद्वया था, मतलब हर पीस एक ही होता है, ऐसा दूसरा नहीं होता। नॉन ड्यूअलिटी का फंक्शन था कि हर पीस एक ही कलर स्टोरी में कैसे अलग लगता है, यही कॉन्सेप्ट था, यही थीम था इस स्प्रिंग समर एडिट का। सोनाक्षी का अभी इतना हीरा मंडी में इतना कलरफुल, इतना ग्लैमरस, इतना फ्लैम्बॉयंट हुआ था। जिस दिन मैंने ये ट्रेलर देखा था तभी मैंने बॉम्बे टाइम्स के साथ साइन किया था, मैंने सोचा ये रिलीज होने दो। आई रियली वॉन्टेड टू वॉक दिस रैम बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू अ ब्लैक ब्राइड। हम कहीं पर भी ब्राइड को ब्लैक देखते नहीं हैं, ब्लैक ब्राइड को कभी नहीं देखते हैं, एंड आई वॉन्टेड इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। और मेरा और सोनाक्षी का बहुत 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 पुराना रिश्ता है, बहुत ही मज़ा आया उनको स्टाइल करने में। इतनी फ्लूइड एक्ट्रेस है, इतनी, हम दो बार मिले वो भी 10-10 मिनट के लिए और ये पूरा उन्होंने किया है। आई थिंक इट वाज जस्ट पीपल शुड, बहुत 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 खूबसूरत एक्सपीरियंस था। बस लगता है कि मैं दुनिया की रानी हूँ और क्या। और स्पेशली जब हमारे इतने टैलेंटेड डिजाइनर्स मुझे इतने खूबसूरत खूबसूरत आउटफिट्स में डालते हैं, आई थिंक गर्ल ऑलवेज फील्स गुड ना। हर लड़की को पसंद आता है कि सच दर्शना ब्यूटीफुल लगता है। अब तो मुझे आदत सी हो गई है ऐसे हैवी आउटफिट्स पहन कर रहना, बट एक्चुअली बहुत कम्फर्टेबल है। मैं आई हैव बीन इन इट, ये पहली बार मैं ये इतना लंबा वेल पहन रही हूँ जो कि यू नो मेरे पीछे ट्रेल हो रहा था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बट इतना खूबसूरत लग रहा है कि मुझे निकालने का मन नहीं कर रहा। मैं उसके साथ अभी भी घूम रही हूँ। सॉरी, एक उन्हें ख़त्म करने दीजिए। हाँ, ऐसे ड्रेस आई थिंक ब्लैक दोस्त की शादी कोई संगीत में, दोस्त की शादी संगीत में, मेहंदी पे तो नहीं, मेहंदी में लाइट कलर। हाँ, कोई शादी में ब्लैक पहनता है? आप कहीं गए हो कोई शादी में ब्लैक पहनेंगे? जी अभी तो मैं अभी तक प्रमोशन चल रहा है ना और मैं थोड़ी देर तक रहना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारा प्यार मिल रहा है हमें हीरा मंडी के लिए, और मैं चाहती हूँ कि वो सब फ्रेश रहे आप सबके जहन में। किरदार ने मेरे, हाँ ऐसे लग तो रहा था मैं फरीदन आ गई है, मेरे फरीदन की आत्मा आ गई है मुझे। एक कैरेक्टर मैंने एक फिल्म की थी नूर, बहुत लाइट कंफर्टेबल और लूज कपड़े पहने थे मैंने, तो मैं उसे चूज करना चाहूँगी। हाँ बिल्कुल, आई बिलीव कि आपको हमेशा कंफर्टेबल रहना चाहिए क्योंकि उससे आप कॉन्फिडेंट लगते हैं, तो फॉर मी कंफर्ट ऑलवेज कम्स फर्स्ट व्हेन इट कम्स टू फैशन एज वेल। लोगों का अलग अलग नज़रिया भी हो सकता है, कुछ लोग प्रिफर टू बी अनकंफर्टेबल बट लुक वेरी वेरी फैशनेबल, बट माई प्रायोरिटी इज ऑलवेज कम्फर्ट। फिर वहाँ बोला एक मिनट रुको ना, तो मैं कहाँ जा रहा था, लेकिन आप मेरे को बोल रहे हो रुको जरा।
आपको मना किया या कुछ के कुछ भी नहीं कह रहा थोड़ा थोड़ा सी थोड़ा भैया यो वन वन मिनट तो भाई ऐसे घूमना पड़ेगा रोहित भाई जा 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 ज